नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले ये बता दूं, आज की वीडियो बिगनर लेवल जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए है, यानी कि जिन्हें इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है वो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, क्योंकि आप एकदम बहुत ईजी बहुत अच्छे तरीके से इसे जानते हो, बहुत ही बिगनर लेवल का है। क्योंकि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, जो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इस टाइप से भी जो ला रहा हूँ, ये किसके लिए है? जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता उनके लिए है, और जिन्हें थोड़ा एडवांस जो हमारे लेवल के हैं उनके लिए तो मैं स्टोरी ट्रांसलेशन लेकर आता हूँ। इसके अलावा ग्रामेटिकल जो वीडियो रहते हैं ग्रामर वाले वो अलग रहते हैं। आज की वीडियो पहले बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल का, जिनको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है उनके लिए, तो जिन्हें स्किप करना है कर सकते हैं, आप लोग दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मेरी और भी वीडियो है। और जिन्हें नहीं आता वो तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि वीडियो आप लोग कमेंट करते हैं बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है पढ़ना नहीं आता उनके लिए है। तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान देना है, इससे पहले मैंने बता दिया है ए बी सी डी उसका उच्चारण क्या होता है, ए का अ, बी का ब है ना, सी का स का, तो बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है इससे पहले पार्ट में। नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको पूरे पार्ट मिल जाएंगे। आज मैं क्या लेकर आया हूँ, जो इंग्लिश में आप देखे होंगे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई ए को कभी ए पढ़ रहे हैं कभी आ पढ़ रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो बहुत सारे उसे बाट फाट काट ऐसे पढ़ देते हैं, ठीक है, कोई इसे अब जैसे यहाँ पे पढ़ने का जो उच्चारण है तो उसे बहुत से लोग गलत कर देते हैं, इसे राम पढ़ दिए हाम पढ़ दिए काम पढ़ दिए, क्योंकि ए यानी आ होता है, तो वहाँ पे होती है कन्फ्यूज़न। तो वही कन्फ्यूज़न आज दूर करने वाला हूँ। लेकिन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ए ई आई ओ यू, इसका यूज़ देखेंगे, लेकिन सिर्फ थ्री लेटर्स वर्ड्स में, सिर्फ तीन लेटर के वर्ड, यानी तीन लेटर यानी एक दो तीन, देखिए तीन तीन लेटर से लिया हूँ। क्यों? सबसे पहले इसे समझना जरूरी है, ये समझ जाएंगे फिर फोर लेटर में इसका उच्चारण बदल जाएगा, जहाँ पे ए हो रहा है वो कभी बदल जाएगा, कभी अ उच्चारण होगा, तो वो सब लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन आज थ्री लेटर्स वर्ड देखेंगे, जहाँ पे ए का है ना, ई का, आई का और ओ का, यू का, इन पाँचों का आप देखेंगे, जिसे हम वाउल्स कहते हैं इंग्लिश में, उसका उच्चारण हम देखने वाले हैं। ये इंग्लिश की एक्चुअल मात्राएं होती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना ए की मात्रा, छोटी की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो एक्चुअल में ये मात्राएं ही हैं इंग्लिश की, तो उसका यूज़ अलग अलग टाइप से होता है, वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं थ्री लेटर्स वर्ड्स में ए। तो भाई ए का वैसे तो बहुत सारा उच्चारण होता है, मैंने आपको बताया ए का कभी अ हो जाता है कभी आ हो जाता है कभी अ हो जाता है कभी ए हो जाता है, लेकिन जब हम थ्री लेटर्स वर्ड्स पढ़ेंगे तीन तीन लेटर वाले तो क्या क्या उच्चारण होते हैं? पूरा उच्चारण नहीं होते, सिर्फ दो तीन होते हैं, वो अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए ए का उच्चारण होता है ए, जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आता है वो सुन लीजिए ए, ठीक है, ए नहीं बोल रहा मैं, ए, जिसे हिंदी में हम ऐसे ए की मात्रा लिखते हैं और नॉर्मल ए ऐसे नहीं, ए नहीं है, ए है, क्योंकि एक डंडी ऊपर लगा हुआ है ए। तो चलिए देखिए ए कैसे पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे ए आपका बीच में है, यानी कि मात्रा का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मात्रा का काम कर रहा है ना। तो चलिए देखिए बी को ब पढ़ते हैं आपको पता है, और ए को हम यहाँ ए पढ़ रहे हो, टी को ट, तो क्या हो गया बैट, बी में देखिए ए की मात्रा तो बैट, बी ए टी बैट, इसे बेट नहीं बोल रहा हूँ ना बाट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बैट, ध्यान देंगे उच्चारण को बैट। अब बहुत ईजी है, लास्ट में ए टी, ए टी है तो एट एट हो रहा है, देखिए बैट, एफ ए टी फैट, तो फैट क्यों बोले क्योंकि एफ को फा बोलते हैं, मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे वो जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन या टू में मैं बताया हूँ कैसे कैसे उच्चारण होता है, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि मैं इसे फा को एफ को फा क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ आपको समझ आएगा। फैट, सी को क तो कैट, देखिए कैट, आर ए टी है तो रैट, एम ए टी है तो मैट, एस ए टी है तो सैट, ठीक है, इसे साठ सेट कुछ नहीं बोल रहा, सैट, बैट फैट कैट रैट मैट सेट, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से ए एन ए एन लास्ट में यदि है तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, इसे भी ए पढ़ेंगे लेकिन एन है तो न, देखिए सी का क और एन, कैन, ए को हम क्या पढ़ रहे हैं ए की मात्रा, तो क्या हो गया सी और ए क्या हो गया क में ए की मात्रा कै, और एन को न पढ़ते तो कैन, क्या हो गया कैन। वैसे देखिए आर को हम क्या पढ़ते हैं, र पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फिर भी आपको आर को र पढ़ते हैं, ए को मैंने क्या बताया था तीन लेटर का है तो ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, तो ए की मात्रा रै, और एन को ना पढ़ते हैं तो रैन, देखिए रेन नहीं बोल रहा मैं, रैन, कैन, रैन, अब ये क्या हो जाएगा फैन, एम एन मैन, मेन नहीं मैन, वी एन वैन, बी एन बैन। ये आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसे कान पढ़े रान पढ़े है ना, कि इसे फाट पढ़े कि फैट पढ़े, तो कंफ्यूज हो जाते हैं,
इसलिए थ्री लेटर्स का पहले लेकर आया हूं, फिर फोर फाइव सिक्स लेटर वाले एक साथ बना दूंगा, जिसमें आपका कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाए, क्योंकि वहां पे और उच्चारण चेंज होता है, इसलिए पूरा एक साथ नहीं लाऊं, हॉच पॉच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ए का उच्चारण ए, तो बहुत सारे में होते हैं लेकिन मेन मेन लेकर आया हूं। वैसे यदि लास्ट में ए है, सॉरी एम है, ये तो भाई बीच में है सबके, देखिए थ्री लेटर में सबके बीच में है, मात्रा का काम कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, देखिए रैम, बिल्कुल वैसे ही बैट कैन, तो रैम सब में ए मात्रा निकल रहा है, देखिए ये भी हो गया। आर का मैंने जैसे आपको बताया र होता है, ए का ए की मात्रा, और माँ को क्या बोलते हैं, सॉरी एम को माँ बोलते, तो रैम, बस इसी प्रकार से रैम, हैम, सी एम, कैम, जे एम, जैम, डी ए एम, डैम, टी ए एम, टैम, आप बहुत सारा बना सकते हो। मान लीजिए ऐसे लिख दिए हम वी ए एम, तो वी को व बोलते हैं, ए यानि ए की मात्रा, म यानि एम यानि म, तो वैम हो जाएगा, वैम, इससे मिलता, बाद में जब बड़ा बड़ा आप वर्ड बनाएंगे ना तो ये बहुत काम आता है। ठीक है, बेसिकली ये बहुत बिगिनर लेवल का है, लेकिन क्योंकि आपको नहीं आता है समझना जरूरी है। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा, तो आप ध्यान दीजिए, अभी एम की जगह और कुछ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एल है, और भी बहुत सारे आ गए वहाँ पे, आपको जो कंसोनेंट हम कहते हैं व्यंजन, और भी आ गए बहुत सारे, तो इसी प्रकार से ए ए ध्वनि निकलता है। लेकिन अब और आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ए का आ भी ध्वनि निकलता है, तीन लेटर में ही आ ध्वनि निकलता है, देखिए कहाँ पे, जब ए आर हो, इसे आप फेर वेर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर धोखा होता बहुत से लोगों, सर ने तो बताया है ए को ए पढ़ते तीन लेटर में, तो ये जैसे बैट हुआ, कैन हुआ, रैम हुआ, एफ ए आर है तो एफ का हम फ लिख देंगे, अब फिर सब सर ने तो ऐसे पढ़ाया था, ए को ए की मात्रा फे और आर को हम र पढ़ते हैं, तो फेर हो गया सर, ये नहीं नहीं हुआ है, इसलिए मैं अलग से इसे लेकर आया हूँ। तो देखिए ए आर यदि एक साथ है तो ज्यादातर उसका उच्चारण क्या होता है, वहां पे आ उच्चारण होता है आ, तो अब फेर नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, तो एफ का फ, ए यानी आ की मात्रा फा और आर यानी र, तो फार फार, वैसे ही डब्ल्यू का व होता है, ए यानी आ की मात्रा, तो आर यानी रा, तो वार, तो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ए आर लास्ट में आ रहा है, तो इसे हम ए आर नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, आर आर पढ़ रहे हैं, देखिए फार डब्लू है तो वार, सी आर कार, बी आर बार, जे आर जार, क्योंकि जे को ज पढ़ते हैं तो जार, यहाँ पे देखिए। आप बोलेंगे आप ठीक है सर, आप तो ए को आ पढ़ा दिए, ए पढ़ा दिए, तो यहाँ पे ई ए लिखा हुआ है, तो हम इसे ए पढ़ें कि आ पढ़ें, तो आपको बता दूं ये जो सभी नियम है क्या काम किया था, शुरू में और लास्ट में आप देख कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, जो ए ई आई ओ यू ये स्वर है, वॉयल जिसे कहते हैं, इसे छोड़कर बाकी जो भी लेटर्स है, जैसे ए को छोड़कर बी सी डी है ना, फिर ई आ गया तो ई को नहीं लेंगे, फिर एफ जी एच, ठीक है, फिर आई को नहीं लेंगे, तो ये पांचों को छोड़ के जितने भी बाकी लेटर्स है ए टू जेड, सॉरी ए टू जेड नहीं, ए तो आ गया, तो मतलब ए टू जेड में इन पांचों को छोड़ के बाकी जो भी लेटर है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देखिए ये सी कॉन्सोनेंट हो गया, एन कॉन्सोनेंट हो गया, आर कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट हो गया, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही ध्यान देना है कि आगे पीछे कॉन्सोनेंट है थ्री वर्ड में, बीच में आपका वॉयल है ए, तब हम ऐसे उच्चारण करेंगे। लेकिन यहां पे आप देखिए ई भी आपका वॉयल है, स्वर है, ए भी स्वर है, तो दोनों मिलके अलग ही कुछ स्वर बना देता है, आपको यहां पे ना ए मिलेगा, ना आपको यहां पे आ मिलेगा, यहां पे ई ध्वनि निकल रहा है, ई ई ए ई ईट ईयर, देखिए इसलिए मैं इसे रेड में क्यों लिखा हूं, क्योंकि भाई आपको ये अलग हो रहा है उच्चारण, बिल्कुल आ और ई ए से ऐसे अलग उच्चारण हो रहा है तीन लेटर में, इसलिए मैंने इसे रेड में लिखा है। तो ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ई ए एक साथ हो तो ई पढ़ते हैं, और इसका वीडियो मैं लाने वाला हूं, ऐसे बना भी चुका हूं, जहां पे ई ए एक साथ हो, ए यू एक साथ हो, ठीक है, डबल ए हो, डबल ई हो, इन सभी और बहुत सारे हैं, है ना, तो इन सभी का वीडियो मैं बाद में लेकर आऊंगा कि इनका उच्चारण कैसे करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए दोनों वॉयल है, इसलिए दोनों मात्राएं हैं, तो दोनों मात्रा मिलकर और अलग मात्रा बना रहे हैं, यहाँ पे भाई मात्रा एक एक है तो वही उच्चारण हो रहा है, इसलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे ए का क्लियर हो गया, तो तीन लेटर वाला जब ए होता है तो वहां पे ज्यादातर एक तो ए ध्वनि निकलता है या फिर आ ध्वनि निकलता है, ये अलग चीज हो गया, ये क्या हो गया,
दोनों वॉयल हो गए, दोनों स्वर हो गए, अलग चीज हो गया, रेड में लिख दिया हूं। हमें बेसिकली ध्यान देना तीन लेटर है, तो या तो ए निकलेगा, बैट फैट कैट फैन मैन इस टाइप से, या फिर ए आर है लास्ट में तो आ निकलेगा, फार वार कार बार जार इस प्रकार से। तो ये ध्यान देंगे, और एक दो होगा तो भाई छूट गया होगा तो उससे मुझे कमेंट कर देंगे, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है, मैं क्योंकि भाई अपने से बनाता हूं वीडियो, कोई कॉपी कोई बुक कोई मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं नकल मारे, हम तो अपने से खुद से ही बनाते हैं, जो मन में आया, जो मैं जिस टाइप से पढ़ता हूं वही समझाता हूं। अब देखिए ई, ई को हम ई नहीं पढ़ेंगे, टीन मीन नहीं पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया इससे पहले वाले वीडियो में ई का क्या क्या उच्चारण होता है, कहीं पे ई को ए बोलते हैं, कहीं पे ई ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे उसका उच्चारण बदल जा रहा है, तो बहुत सारा बदलता है, तो उसका अलग वीडियो है। लेकिन हमें क्या देखना है, तीन लेटर वाले में, थ्री लेटर में, तीन अक्षर में ई का क्या क्या मात्रा होता है। तो भाई तीन लेटर में सिर्फ ए मात्रा निकलता, ए ए देखिए कैसे, ई यानी ए, तो टी को हम बोलते हैं ट, ठीक है, वो हिंदी में ऐसी बता रहा हूं। ई का जैसे बोला ए की मात्रा, तो टे, न को बोलते हैं न, तो टेन। बस इसी प्रकार से ए ए ध्वनि निकलेगा, टी एन टेन, तो एम ई एन क्या हो जाएगा, मैन, क्योंकि एम ई एन एम होता है, तो मैन, पी एन पेन, डी एन डेन, ठीक है, वैसी ई टी है तो एल का ल होता है, और ए की मात्रा टी का टा, तो लेट लेट, पी ई टी पैट, एम ए टी मैट, एस ए टी सेट, ठीक है। यहाँ पे कोई लीट पीट नहीं बोल रहे हम, ए ए का ध्वनि निकल रहा है, लेट पेट मेट और बहुत सारा हो सकता है, और भी बहुत सारा आप जितना मर्जी इसमें बना सकते हो, जैसे कि आपने में जे टी, तो हम आप क्या बोल देंगे, इसे जेट बोल देंगे, जेट, बिल्कुल ऐसे उच्चारण हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टी के जगह भाई पी रहे, चाहे वहां पे आपका और भी कोई लेटर है जिससे वर्ड बनता है, तो आप ई ई ध्वनि निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए की बात है, जैसे ऐसे कोई वर्ड नहीं है, फिर भी जैसे एल ई एल लिख दिया, मान लीजिए सर आपने तो केवल एन का बताया, टी का बताया, डी का, बाकी का क्या करें, तो बाकी का बता रहा हूं, बाकी में आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, एक दो जो जो उसमें वो है हम बोल सकते हैं जो भी अपवाद जो होते हैं, ठीक है, उसे हम आपको यहाँ पे बता दियो मैं रेड में करके। तो यहाँ पे देखिए इसे एल ई एल लिखा हूँ, स्मॉल में लिखा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एल का ला, ए यानी ए, यानी ए, एल यानी ला, तो लेल, ऐसे लेल हो गया, पी पी टी पेट है तो पी एल पेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे जो भी लेटर होते हैं लास्ट के उससे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ जिसका ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए डी, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, बी डी बेड, एल ई डी लेड, जेड इज जेड ई डी जेड, आर ई डी रेड, तो ये सब ज़्यादा यूज होता है। तो आप ध्यान देंगे जहाँ पे तीन लेटर में ई है, तो आप ध्यान देंगे ई का ए उच्चारण होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया अपवाद कुछ चीज होता है, अपवाद में देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है सर, तो इसे हम टे पढ़ना चाहिए, नहीं इसे टी पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना ई भी और ए भी दोनों वॉयल हैं, ये दोनों देखिए ई भी है और ए भी है, सॉरी ई भी है ए भी है, तो ये जब ये दोनों मिलेंगे या ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों अलग ही मात्रा निकाल देते हैं, अलग ही ई आ अलग ही मात्रा निकाल देते हैं। इससे मैंने रेड में लिखा है, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी था, नहीं तो आप बोल दोगे सर बीच में तो ई आ रहा है तो इसे हम टी ए टी ए कुछ अलग पढ़ दोगे, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है, ई ए हो तो ई का मात्रा, टी एस ई ए तो सी ई बन जाता है, देखिए सी, ये सी यानी समुद्र वाला सी है, ये भी देखिए डबल ई है, डबल ई आ गया तो भी बदल गया, सी बोलेंगे सर ये भी सी हाँ दोनों को पढ़ते वही है, लेकिन मतलब ये सी यानी देखना होता है, ये सी यानी समुद्र होता है। अब यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे सर जैसे इसे पढ़े हमने वैसी एन का ना कर देते हैं, ई यानी ए की मात्रा और डब्ल्यू को हम व बोलते हैं, तो नेव नेव बन गया, नहीं नहीं बना, इसलिए मैंने इसे लाल में लिखा है, न्यू पढ़ते हैं न्यू, अब ये वॉवल नहीं है फिर भी अलग उच्च ऐसे न्यू पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों वॉवल है, ठीक है, तो इसे नियो पढ़ रहे हैं नियो, तो आप ध्यान देंगे जो रेड में लिखा हुआ हो ये उच्चारण अलग होता है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिक बेसिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे कि सर ऐसे ही होता है, भाई मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी होता है, तो इसके लिए तैयार रहेंगे आप, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, जब हम चार लीटर वाले फाइव लीटर वाले जब चार पाँच अक्षर वाले में आएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए आप तीन वाले ही लाएँ। अब हो गया आपका ए का, हो गया ए का कौन कौन सा, ई का तो ए निकलता बता दिया और ये आपका अपवाद है। अब ई का देखते हैं, तो ई का भी बहुत इजी है, ई का आपको कोई सोच रहा नहीं है कि इसमें तीन लेटर वाले में, ठीक है, चार में बदल जाएगा भाई, चार में ई का आई ध्वनि निकलता है, आई, और भी बहुत अ भी निकलता है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे पी आई एन पिन हो गया,
अभी पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताऊं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पहले तीन अक्षर में केवल ई, ई यानी छोटी की मात्रा, ई ऐसे बोलते हैं ना वैसे ही, जैसे देखिए पी आई एन, तो पी का प होता है तो हम लिख दिए प, ठीक है। आई यानी हम छोटी की मात्रा मानते हैं, और एन यानी ना, तो पिन ऐसे पढ़ते हैं पिन, तो यही है पिन। आर है तो रिन, आर आई एन रिन, टी आई एन टिन, बी आई एन बिन, डब्ल्यू आई एन विन, क्योंकि डब्ल्यू को वह बोलते हैं विन। वैसे ही देखिए टाटा वाले में एच आई टी हिट, ठीक है, पी आई टी पिट, के आई टी किट, एस आई टी सिट, एफ आई टी फिट। ये थ्री लेटर वाले में बहुत ईजी रहता है आई का, देखिए एस आई एम सिम, क्योंकि म निकल गया तो भैया सिट थोड़ी होगा, एम है तो म होगा सिम। आर आई एम रिम, डी आई एम डेम, एच आई एम हिम, एन आई एम निम, ठीक है। इस प्रकार से आप, क्योंकि ये अभी आपको वो लग रहा होगा अरे इसका कोई मतलब ही नहीं है सर, ये निम निम जो लिखा रहे हो मतलब है, कई वर्ड का मतलब नहीं है ये, जब आप आगे और भी बड़े बड़े लेटर लिखोगे ना तब आपको ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन अब मैंने क्यों बताया कि सर ये आप ई बता दिए तो हम बाद में फ्यूचर में आप सबको ई ही पढ़ेंगे, नहीं, ध्यान रखना है केवल तीन लेटर वाले में अभी आई का उच्चारण हो, ई आई का उच्चारण ई हो रहा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे पी आई एन पिन हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो पिने हो गया, पिन और ई का ए बोले थे पिने, नहीं ये होता पाइन, क्या होता ये हो गया पाइन, पाइन एप्पल जैसे थे पाइन ये। अब इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, जब नया वीडियो बनाऊंगा ना जहां पे चार लेटर वाले, तो पूरे क्लियर समझा दूंगा ये पाइन क्यों हुआ, ठीक है, ये पाइन क्यों हुआ, ये नाइन क्यों हुआ, ये आपको सब समझाना, ये नीने पीने क्यों नहीं हुआ, वो भी क्लियर कर दूंगा, सब क्लियर होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज थ्री लेटर वाले में ये क्लियर हो गया आई का, कि हमें इसे ई पढ़ना है और कुछ चीज सोचना नहीं है, पिट रिम हिट डिम सब चीज हमने पढ़ लिया। अब क्या बच गया, ए ई आई हो गया, अब ओ और यू बचा है, ये भी इजी है। ओ को हम, आप बोलेंगे सर तीन लेटर में ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे सर, नहीं, तीन लेटर वाले में तो और अलग है, ओ नहीं निकलता है तीन लेटर वाले में, तीन लेटर वाले में क्या निकल रहा है आ, ओ नहीं है ना आ, आ, आ भी नहीं आ, अलग ध्वनि निकलता है, थोड़ा सा अलग आ, सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे एन ओ टी नॉट, इसे नोट नहीं पढ़ रहा हूं ना ही नॉट नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्या पढ़ रहा हूं नॉट आ नॉट, ठीक है, तो ये नॉट हो गया। डी ओ टी डॉट, देखिए अ ध्वनि निकल रहा है, ओ को अ, ऐसे डोट नोट नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उच्चारण पे ध्यान दीजिए डॉट। फिर पी ओ टी क्या होगा बताइए, पोट होगा पाट होगा कि पॉट होगा, जी हाँ पॉट होगा, ये पॉट। एच ओ टी हॉट, ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये वाला बिंदु और ये चंद्र बिंदु दोनों में अंतर होता है, ठीक है, ये इसमें अ ऐसे, और ये हंस वंस हम जब लिखते हैं ना मात्रा, सॉरी ये तो आपको दिखाई नहीं यहाँ पे, ये जो होता है ये अलग होता है, ठीक है, ये अ ध्वनि निकलता है, और ये चंद्र बिंदु जैसे अम की मात्रा उसी टाइप से चंद्र बिंदु, हंस वगैरह और बहुत सारे आंख लिखते हैं तो आ ऐसे अम की मात्रा नाक से निकलता है, और ये खाली ये लिखा हुआ है ना, बिंदु नहीं लगा है, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, आ ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए टॉप, ठीक है, टॉप नहीं बोल रहा ना, ध्यान देंगे टॉप, फिर पी ओ पी पॉप, बी ओ एक्स बॉक्स, ठीक है, बॉक्स नहीं बॉक्स, ये चीज ध्यान देंगे, इसलिए ओ का अ निकल रहा है, तो ऐसी बहुत सारा सब में अ निकलेगा, लेकिन कुछ एक वर्ड्स है जो मैंने लिख के यहाँ पे लेकर आया है, जैसे एस ओ एन, तो आप सॉन नहीं पढ़ेंगे ना सोन नहीं पढ़ेंगे, इसे अ ध्वनि निकलता है, सन सन, देखिए सन पढ़ते हैं ध्यान, सन यानी बेटा, ठीक है, इसे भी वोन नहीं पढ़ेंगे, वन वन यानी जीता है ना, आई वन, विन का पास है ना वन। टी यू एन टन, इसे भी टोन नहीं पढ़ेंगे टन, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब आप बोलेंगे ठीक है सर एस ओ एन सन, डब्ल्यू एन वन, टी यू एन टन, तो डी ओ एन डन हो जाना चाहिए, नहीं ये डॉन है, मैंने भी इसलिए लाल में लिख दिया है, इंग्लिश का बताया ना मैं, इंग्लिश के आप नियम में मत जाइए, ऐसे नियम होगा सर ऐसे नियम में बिल्कुल मत जाइए, थोड़ा पैटर्न में जाइए, और कुछ कुछ वर्ड को मैं रेड में लिख दिया हूँ तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसे भी होता है, जरूरी नहीं कि जैसे पढ़ रहे वैसे, लेकिन ज्यादातर जो ब्लू में आप देखेंगे बिल्कुल वही वही वैसे कुछ अ अ निकल रहा है, और ओ एन ओ एन में अ अ निकल रहा है, बस कुछ एक अपवाद जैसे रहता है यहाँ पे। तो डॉन पढ़ रहे से डन नहीं पढ़ रहे, डॉन इसमें आ गया, ठीक है, ये वाले में आ गया अ वाले में, तो क्लियर हो गया। यदि केवल तीन लेटर में ओ है तो हम या तो अ पढ़ेंगे या फिर अ पढ़ेंगे, और अ केवल ओ एन ओ एन में ज्यादातर होता है, क्लियर हो गया। और कुछ वर्ड होगा तो नीचे मुझे कमेंट कर देंगे सर ये भी आएगा, ठीक है, लेकिन तीन लेटर में बोलेंगे भाई, चार लेटर पांच लेटर लिख के मत बोलिए सर इसमें तो ऐसे, नहीं केवल एग्जांपल देना भी है मुझे तो तीन लेटर वाला एग्जांपल नीचे कमेंट में दीजिए, मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा। मैं कभी बुरा नहीं मानता कि भाई
कि आप लोग मुझे मुझसे ज़्यादा अच्छा बता रहे, बिल्कुल बताइए, हम तो कुछ सीखने बैठे हैं, आपसे कुछ सीखने मिलेगा, आप लोग कमेंट करेंगे उसे अगली वीडियो में मैं खुद बताने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि भाई मैं अपने मन से जो मुझे आता है, जैसे मैंने सीखा है वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे आपको कोई भी बुक में कहीं भी नहीं मिलने वाला ये सब, ठीक है? ये मेरा नियम है, मैं जैसे बनाता हूँ। अब लास्ट आ गया यू। अब यू का मात्रा, तो आप बोलोगे सर यू, तो यू को तो हम ऐसे यू पढ़ेंगे, नहीं भाई यू को यू नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, लेकिन जब चार लेटर पाँच लेटर वाला उसमें आता है, यहाँ पे हम केवल क्या पढ़ेंगे, इसे यू को अ पढ़ते हैं। देखिए कितना अंतर है, यू का अ कहाँ हो गया सर, लेकिन यू को अ पढ़ते हैं, ए कभी कहीं पे अ पढ़ते हैं, आई को भी कभी अ पढ़ते हैं, सबका आने वाला वीडियो, वो चार लेटर वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, और तीन लेटर में यू को हम केवल अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अ, या फिर कहीं पे हम उ भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उ, लेकिन वो आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है? तो देखिए यू को अ पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो देखिए जैसे, नहीं तो भाई आपको वीडियो नहीं बनाता, मान लो आप आज से पहले वीडियो देखे ही नहीं हो, मान लीजिए मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग अभी क्या पढ़ते हैं इसको यू, तो आप क्या पढ़ते हैं रुन फुन सुन गुन, ऐसे पढ़ते हो जाता गलत, ठीक है? और जिन्हें पता है वो तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, तो चलिए देखिए इसे हम अ पढ़ते हैं, तो भाई आर को हम पढ़ते हैं र, अब ये यू को अ पढ़ते हैं, तो अ लिखना ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे र आ लिखना जरूरी नहीं है, एन को ना, तो अ को लिखना जरूरी नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि र में ही अ जुड़ा होता है, र फ स सब में अ जुड़ा होता है, इसलिए लिखना जरूरी नहीं होता है। तो क्या हो गया आर यू, क्या हो गया र, एक साथ र और एन को ना, तो रन, एफ यू फ हो गया और एन को ना, फन, ठीक है, एस यू स हो गया एन को ना, तो सन, जी यू एन गन, बी यू एन बन, तो देखिए रन फन सन गन बन, कहीं पे भी यू उच्चारण हो रहा नहीं, सब में अ निकल रहा है, वैसे देखिए एस यू एम तो सम, क्योंकि म है, तो देखिए स म सम, जी यू ग और म है, तो एम है तो म, गम बम रम टम, तो देखिए अम अम ध्वनि निकल रहा है अन अन, वैसे देखिए बी यू टी, तो ये क्या होगा टी है तो ट, तो देखिए ब ट बट, ह ट हट, न ट नट, क ट कट, क्योंकि यू को हम अ पढ़ रहे हैं, तीन लेटर में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन अब यहाँ पर रेड में लिखा हूँ, आप समझ गए रेड में ना कोई तो भाई इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उच्चारण बदल जाएगा। अब जैसे हमने इसे पढ़ा बट, एच यू टी हट, एन यू टी नट, सी यू टी कट, तो आप बोलोगे पी यू टी पट होगा सर, नहीं भाई इंग्लिश है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसे मत पूछिए, नहीं होगा इतना जानिए, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे अब उसमें, पी यू टी पट नहीं होगा, पी यू टी पुट होता है, क्या होता है पुट, तो इसे मैंने लिख दिया है, कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, ध्यान रखेंगे कि भाई पी यू टी पट नहीं होगा, पी यू टी पुट होता है। और कोई ऐसे वर्ड आप जानते हैं थ्री लेटर में जिसका उच्चारण ऐसे पुट होता है, ठीक है, शूट वुट वो सब नहीं लिखेंगे, वो तो शर्ट हो जाता है, वैसे भी ऐसे यू टी लिखेंगे शर्ट, तो आप तीन तीन लेटर का कुछ और जानते हो तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, क्लियर? तो मैंने रेड में लिख दिया। वैसे यहाँ पे आउट बीच में यू है, लेकिन हम इसे अ नहीं पढ़ रहे, आउट, तो ये क्या हो गया, क्योंकि ओ यू एक साथ ये स्वर है, आपको बताया था वाउल है ना, ओ यू, तो इसका अलग ही ध्वनि निकलता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ले लिया, कन्फ्यूज मत होइए, यू बीच में है सर तो क्या पढ़े, तो आउट पढ़ते हैं आउट। बाकी ये बिल्कुल वैसी एच यू जी हग, हग यानी गले लगाना, सी यू बी कब, कब यानी वो शेर का जो बच्चा होता है कब कहते हैं, ठीक है, ये हो गया कब। तो भैया देखिए इस प्रकार से यू का थ्री लेटर में जो होता है तीन अक्षर में अ ध्वनि ही निकलता है, बस एक दो ऐसे अपवाद रहते हैं। और मिक्स लेटर का तो मैंने आपको बताया है कि यदि ए ओ मिल जाए, ठीक है, ई ओ मिल जाए, है ना, यू ओ मिल जाए, ओ यू मिल जाए, तो इनका उच्चारण बदल जाता है, तो इसके लिए तो अलग से वीडियो बनाना ही वाला हूँ, एक वीडियो और बनाया हूँ इससे पहले, मुझे ध्यान में रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सर्च भी मार सकते हैं ऐसे इंग्लिश में, वहाँ पे जाएंगे सर्च बार में यूट्यूब में और सर्च करके देखेंगे ए ई, है ना, और ई ए ओ यू, और ऐसे सर्च मार देंगे विष्णु ए टी पी, बस इतना मारेंगे ना सर्च, आपको कुछ भी देखना होता है वीडियो, तो आप ये लिख के विष्णु एटीपी लिख के सर्च मार दीजिए, यदि मैं बनाया वीडियो पक्का आ जाएगा। क्लियर हो गया आज हमने क्या क्या सीखा, तीन लेटर वर्ड को पढ़ना सीखा, जहाँ पे मात्राएं मेन मात्राएं थी ए ई आई ओ यू, इसे कैसे पढ़ते हैं, तो हमने देखा ए का ए मात्रा होता है, ठीक है, और एक आध दो जगह बस, जैसे ये हो गया ए हो गया, और ये ए आर है तो वहाँ पे आ ध्वनि निकलता है, और ये तो मिक्स लेटर है, इसका वीडियो तो बाद में बनाऊंगा ही, बोलाऊँ तो इसको छोड़ दीजिए। तो आपने तीन लेटर में क्या देखा, एक तो ए वाला देखा और आपने देखा आ वाला, और कुछ है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। ई का हमने देखा ए, ई का ए निकलता है, ठीक है, ए देखिए जेट लेट ये सब चीज़। अब ये मैंने आपको पहले बताया मिक्स वाला है, तो कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, रेड में लिख दिया उसको छोड़ दीजिए, मतलब ध्यान देना है, लेकिन ई का उच्चारण तीन लेटर में ज़्यादातर जहाँ पे दोनों कॉन्सोनेंट है व्यंजन है तो हम ए ध्वनि निकलेगा, ठीक है, टेन मैन इस प्रकार से। आई का छोटी की मात्रा, बस
देखिए पूरा छोटी की मात्रा, इसमें कोई अपवाद भी नहीं मिल रहा होगा आपको, ये तो चार अक्षर वाला है, इसको तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो तीन लेटर में आई को हम केवल ई पढ़ेंगे, पिन रिन इस प्रकार से। तो तीन लेटर वाला प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप, कैसे पढ़ना है ठीक है। अब ओ को हम ओ नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ये भी आपको बता दिया, और एक दो जगह अ पढ़ते जहाँ पे अन अन और इसे डॉन, ये भी क्लियर कर दिया ठीक है। यू का अ ध्वनि निकलता है, ये भी क्लियर हो गया, एक जगह बस एक दो जगह ऐसे यू निकलता है, पुट है ना ऐसे, और एन यू टी तो नट होता है ठीक, ये क्लियर हो गया आपको, पुट होता है। इसी प्रकार से और कोई भी वर्ड हो तो आप मुझे नीचे लिख के दिखाएंगे। क्लियर हो गया ए ई आई ओ यू, तीनों जो मात्राएं हैं ना, मात्रा मानेंगे भाई इंग्लिश का, इसे बेसिक मात्रा ही समझिए इसे, लेकिन हिंदी की मात्रा बदलते नहीं भाई, हिंदी की मात्रा जैसे उसे वैसी पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी की मात्राएं क्या है बदलना पड़ता है भाई। इंग्लिश में तो इतनी सारी मात्राएं हैं, हम उसे छोटी के लिए अलग मात्रा पढ़ते हैं ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ दिया एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर बाद में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ दिया, हमने क्या पढ़ दिया, छोटी की मात्रा हमने इसे पढ़ दिया ऐसे कि किरण, किरण पढ़ दिया हमने ठीक है। लेकिन इसे मुझे क्या करना है, मात्रा दूसरा करना है, तो भैया की छोटी की मात्रा किरण है, अब मैं इसे मान लो बड़ी की मात्रा कर दिया ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे ये हो गया की। अब की से क्या बन जाएगा, आपकी बड़ी की मात्रा है, तो जैसे कई लोग की आ रहा है ऐसे लिखते हैं ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे की, बड़ी की मात्रा से तो बहुत ऐसे नाम, जैसे हम क्या हो जाएगा कीमती, जैसे हम लिखते हैं कीमती नाम नहीं, जैसे कीमती, तो हम यहाँ पे कीमती नहीं पढ़ रहे हैं, कीमती पढ़ रहे हैं, छोटी की मात्रा के लिए ये मात्रा, इसे हम छोटी ही पढ़ेंगे, की ऐसे पढ़ेंगे, बड़ी है तो की ऐसे पढ़ेंगे। तो भाई मात्रा हिंदी के लिए कोई टेंशन नहीं है, जो मात्रा है उसे हम वैसे ही पढ़ते, जैसे छोटू की मात्रा ये वाली तो हम सु ऐसे पढ़े, ऊ, तो ये हो गया सुबह ठीक है, ये हो गया सुबह। लेकिन यदि हमें क्या करना है, बड़ू को मात्रा लगाना है, तो हम वहाँ पे ऐसे लिख देते पूरब, ऐसे लिखते पूर्व होता है, लेकिन कई लोग पूरब ऐसे पूरब ऊ या पूरन, तो ऊ बड़ू मात्रा पूरन, पूरन ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, सुबह नहीं पढ़ रहे हैं। तो भाई हिंदी में वही प्रॉब्लम नहीं है हमारे, जो मात्रा लिखा है हमें वैसे ही पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में तो भाई हमें इसी से ही पूरी मात्राएं बनानी है, तो भाई क्या करेंगे, ए का कई मात्रा बनाना पड़ता है, ई के लिए कई मात्रा, आई के लिए अलग अलग उच्चारण, ओ के लिए अलग अलग, यू का फिर मिला के मात्राएं बनानी पड़ती हैं, तो इसलिए इंग्लिश में बहुत परेशानी आती है। और हिंदी में भैया सीधा कोई परेशानी नहीं है, जैसे मात्रा है वैसी है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन दूर करेंगे। थ्री लेटर कंप्लीट हो गया, फिर फोर फाइव जो भी, फोर फाइव सिक्स सब एक साथ ले आऊँगा, क्योंकि उसमें उच्चारण वैसे ही होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है चार और पाँच वाले में, वहाँ पे फिर बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल में वीडियो, देखने के लिए भाई छोटा छोटा है सर, इसको तो पढ़ देते आप समझ जाते, लेकिन समझाना ज़रूरी है ठीक है। तो यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी समझ आई हो, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, कि भाई आप लोग जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, थोड़ा तो पढ़ना सीख जाओ, ये आप सीख जाओगे ना, उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी यही कामना है कि भाई जितना भी हो सके मैं अपना पूरा आपको सिखाऊं, भाई अपनी लाइफ जितनी है तब तक भी आप लोग को सिखाऊंगा, जब तक पढ़ा पाऊंगा, बेसिक लेवल लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, एडवांस वालों को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, स्पोकन शुरू करेंगे, सब करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं केवल एक कैटेगरी के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, बेसिक के लिए अलग बनाता हूँ, बिगनर के लिए, मीडिएटर के लिए अलग बनाता हूँ, जो मीडियम लेवल के हैं यानी कि जिन्हें थोड़ा बहुत सारे पढ़ना आता है, एडवांस लेवल के लिए भी बहुत सारे वीडियो लेकर आता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और भी बहुत सारे कोई उच्चारण हो या कोई कमी हो, कोई फॉल्ट हो, तो नीचे कमेंट कर देंगे, बिल्कुल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।